शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 39 केंद्रों पर 9,610 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,794 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,816 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शनिवार को टीकाकरण के लिए 20,000 से ऊपर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 9,610 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए जिला अस्पताल में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा मेडिकल एवं एम्स गोरखपुर क्लब सहित 39 केंद्रों पर 9,610 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। CMO ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग टीका लगवाने के लिए अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने वाले डॉक्टर विजय प्रताप श्रीवास्तव, प्रिया श्रीवास्तव, नित्यानंद सहानी और CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। पहली बार है? दूसरा। अच्छा दीदी, आप कोई दवाई या पानी का तो खा सकते होंगे फिर, ठीक है? मैं डॉक्टर विजय प्रताप श्रीवास्तव, हम आए पादरी बाजार से। कितना देर से खड़े थे आप? यहाँ तो पहले वहाँ बाहर तो लाइन तो देख ही रहे किस तरह लगा हुआ है, कोई ना उस सिस्टम में है लाइन है ना किस तरह है, जो ही आ रहा है वही धक्का दे रहा है, वही पानी इतना लगा हुआ है पानी में, आदमी इधर से भी देखिए पूरा ये सब जूता होता पैंट वेंट सब भीग गया है, कहीं कोई किसी तरह से नहीं है। जी जी, वैक्सीनेशन हो गया मेरा, नहीं ये बच्ची का है और मैं इसके साथ आया था। रिया श्रीवास्तव, पालजी बाजार। कितने देर से यहाँ हो गया? आधा घंटा खड़े हुए। क्या कैसा यहाँ का सब कुछ? तो ठीक है, बस थोड़ा पानी होने का सब दिक्कत हो गया है। ठीक है, सरकार ने शुरू वैक्सीनेशन करा क्या करेंगे? ये भी ठीक है कि गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, और जो बाकी ठीक है ठीक है। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कि सबको वैक्सीन लगवाना ही चाहिए, और ये जो अफवाह है उस पर तो एकदम विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नित्यानंद सहानी, यही लोकल के हैं गोरखपुर से। किस जगह? और आलासड़ी। कितने देर से यहाँ खड़े थे, क्या यहाँ? अरे कम से कम हम 10 बजे से हैं, लेकिन यहाँ पे एक खिड़की बस बनी हुई है, लेकिन काम एक पैसे का नहीं हो रहा है। बस खिड़की बनी हुई है, काम एक ही लोग कर रहे हैं। 4 घंटे से खड़े हैं लाइन में, भीगे हैं, बारिश में पूरे भीगे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन कराना है जी? जी, वैक्सीनेशन कराना है। आज हमारे ज़िले में 39 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है, और हमारे जिला अस्पताल महिला अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज संक्रामक रोग में के साथ साथ हमारे CSC PSC पर भी वैक्सीनेशन हो रहा है। टोटल हमारा 39 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सर आज का लक्ष्य? आज का लक्ष्य हमारा 10,000 तक का है, और सेंटरों पर काफ़ी मात्रा में भीड़ है, इस हम तो 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन करेंगे।
सर जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से हमारी अपील है कि वैक्सीनेशन सेंटरों पर काफ़ी मात्रा में भीड़ हो रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना बीमारी फैलने के खतरा बढ़ जा रहा है। लोगों से हमारी अपील है कि भीड़ भाड़ न करें, वैक्सीनेशन सबका होना है, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। जब भीड़ देखें कि किसी सेंटर में भीड़ है तो वहाँ से हट जाएं, दूसरे दिन आ करके देखें, और वैक्सीनेशन सबका हम करेंगे, समय से सबका करेंगे।